अंबिकापुर में हुआ 20 लाख रुपए के साथ मैनेजर लापता, मारुति ट्रेडर्स के पैसे कलेक्शन का करता था काम, परिजन जता रहे अनहोनी की आशंका। अनूपपुर में अवैध कोयला परिवहन करते एक ट्रेलर को पकड़ा, ट्रेलर समेत कोयले की कीमत 36 लाख रुपए, 3 लोगों पर हुआ मामला दर्ज। कोरिया पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 2 ट्रकों से 52 टन अवैध कबाड़ किया जब्त, कबाड़ की कीमत बताई जा रही है 40 लाख रुपए। वहीं सबलगढ़ में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी और डंडे, झगड़े में एक व्यक्ति हुआ गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने मामला किया दर्ज। भोपाल में चलती कार में लगी आग, एक्सीडेंटल डिवाइडर से टकराने के बाद लगी आग, दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। नमस्कार, मैं नितेश गर्ग और आप देख रहे हैं खबर भारत। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी राजधानी भोपाल के काटजू अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। वहीं मंत्री चौधरी ने प्रिकॉशन डोज भी लगवाया। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि संक्रमण दर लगातार बढ़ रही है, हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों से अपील है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। वो आज मेरा ड्यू था तो आज मैंने उसको लगवाया। तो सर, मध्य प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति? सर, पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ स्थिति आज की ताजा है? पॉजिटिविटी का रेट बढ़ रहा है और पॉजिटिव केस भी बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार तो पूरी व्यवस्थाएं भी कर रही है और जो टेस्ट है टेस्ट भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। और पृथ्वीपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओला प्रभावित महिला किसानों से मुलाकात की है। दरअसल इस क्षेत्र में हुई भीषण ओलावृष्टि से करीब 40 गांव के किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थीं। यहां की महिला किसान मक्खन बाई के रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र का दौरा करते हुए संवेदना के साथ पीड़ित महिला के खाते में 50,000 रुपए डालने की बात कही है। मुख्यमंत्री है ना? अच्छे से रहो, खुश रहो, ठीक है, मुस्कुराओ, जलन की एक हंसते हुए फोटो खींचो भाई मेरे साथ, इधर आओ, लो एक हंसो, रोना नहीं है, ठीक है, खुश रहो। चिल्लियाती बर्बादी हो गई जब फसल पिट गई हमारी, तो इसके लिए घबरा के हम इतने चिल्लाते राम राम भगवान भगवान, मीडिया वाले यार सुनने भाई फोटो निकाली कि जब भाई कहा चिल्ला रहे पाए निकलते हैं। आज मुख्यमंत्री आए थे, कहा क्या गए तुम्हें, कहा आश्वासन दे के गए? 50,000 को कहते पैसा डाल रहा है, करते बच्चा की जगह थी। तो आप मिली कैसे? हमें हंसा के गए आज। क्या बोले? जा कर रहे थे कि खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो हमें। सीतापुर में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना से अब तक 32 लोग संक्रमित हो चुके हैं। बता दें कि SDM अनमोल विवेक टेपो सहित स्वास्थ्य केंद्र के लैब में काम करने वाले 2 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। मरीजों का चिन्हांकन करते हुए आवश्यक जो है उनको दवा और होम आइसोलेशन या जो भी संक्रमित है उनको जांच किया जा सके। अभी जो कोरोना की स्थिति उत्पन्न हो रही है सर, जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से सीतापुर हॉस्पिटल कितना तैयार है सर? जी, हम लोग के द्वारा जो है पूर्व से अभी तक जो है इसमें मरीजों के भर्ती के लिए जो हम लोग ने जो है 28 हम लोग के पास ऑक्सीजनेटेड बेड है और 2 है नॉन ऑक्सीजनेटेड बेड। तो हम लोग ने जो पिछले बार की संख्या जो हमारी 10 थी उसको बढ़ा करके हम लोग ने उसको 30 किया है। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शौचालय में एक नवजात शिशु का शव मिला है, शव 6 दिन पुराना बताया जा रहा है। सफाई के दौरान शव टॉयलेट में मिला, शव मिलने के बाद अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है।
से जांच कर रहे हैं और उस शव को तत्काल निकलवा के उन्होंने मर्चरी भेज दी है पीएम के लिए, और उससे जो भी वो है वो पुलिस अपनी जाँच कर रही है। ये कहना भी संभव, क्योंकि हमारे यहाँ जो मैटरनिटी वार्ड है वो अलग ही है, वहाँ पर महिलाएं आती ही नहीं है। यूजुअली जो गर्भवती महिलाएं हैं या फिर जो भी वो, क्योंकि दूसरे कॉम्प्लेक्स में है तो वहाँ वो संभावना ही नहीं है। और ये कैसे हुआ क्या हुआ उस लेवल पर पुलिस जाँच कर रही है, तो अभी बहुत कहना बहुत मतलब मेरे स्तर पर नहीं है कि मैं इसमें कह पाऊँ कि कहाँ की कहाँ से आया वो कैसे हुआ, उसकी जांच पुलिस अपने स्तर से कई उससे कर रही है। आज सुबह हम लोग को जानकारी मिली थी कि यहाँ के टॉयलेट के कमोड में एक नवजात शिशु फंसा हुआ है, तो उसको हम लोग निकाले हैं और उनका पीएम कराए हैं अभी, और वो किसका हो सकता है और कौन उनको डिजर्ट किया है इसकी हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। और उनकी जानकारी में तकरीबन हफ्ता दिन पुराना लग रहा है नवजात शिशु, बाकी जांच नहीं पता चल पाएगा कि कितना पुराना है। खबर भारत की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिला है। दरअसल मंदसौर जिले के सुवासरा के ग्राम पंचायत केसरपुरा की गौशाला में भूख के कारण कई गायों की मौत हो चुकी थी। आरोप है कि इस दौरान 50 से ज़्यादा गायें मर गई थी। गौशाला की 70 बीघा जमीन पर गायों के लिए चारा उगाना था, लेकिन गौशाला संचालक कन्हैयालाल सेठिया ने फसल उगा कर रखी थी, जिसके बाद खबर भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। खबर चलने के बाद प्रशासन ने कृष्णा गौशाला अध्यक्ष कन्हैयालाल सेठिया को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। अंबिकापुर में रितेश एजेंसी में चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने दुकान में लगी खिड़की की लोहे की राड काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं एजेंसी में रखे 35,000 रुपये पर हाथ साफ कर फरार हो गए चोर। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जैसी दुकान खोले देख रहे हैं कि सामने से सर अपना कट गया है, चोरी हो गई है। फिर हमने इन पुलिस सर को इन्फॉर्म भी किया है। सर 30 से 35 हज़ार रुपये का लगभग कैश था अपने पास, वो पूरा चले गया है और DVR को उन्होंने चोरी करके ले गया है। DVR लेने का मकसद क्या लगता है आपको? DVR का मकसद यही है कि भाई वो अपने आप को पहचान बचाने के चक्कर में उसने DVR को चोरी करके ले गया, कैमरे को भी निकाल दिया है। सामान तो चोरी हुई है? सामान तो चोरी हुई होगी, लेकिन सर किराना दुकान है, रैक में लगे हुए हैं, साइडिया लगेगा नहीं। मेन तो सर कैश का ही है, कैश चोरी हुआ है सर अपना। वहीं सुजालपुर के ग्राम पोचनेर में श्रीराम भक्त मंडल ने रामलीला कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मौजूद रहे। बता दें कि वर्षों से श्रीराम मंडल द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री इंदर सिंह ने रामलला की आरती करने के बाद लोगों को संबोधित भी किया। मैं इसके लिए सभी आयोजन समिति के सम्माननीय सदस्यों को, बंधुओं को शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। हम सब जानते हैं कि भारत देश के इतिहास में हजारों साल से राम जी के चरित्र को ऊपर इस प्रकार की रामलीला का आयोजन होता है, और केवल भारत भूमि पर नहीं तो दुनिया के कई देशों में भी, यहाँ तक कि मुस्लिम देशों में भी रामायण पर मंचन होता है और राम के जीवन को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। नरसिंहगढ़ तहसील के बोड़ा नगर पंचायत में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण का कार्यक्रम अटल उद्यान पार्क में आयोजित किया गया। सांसद रोडमल नगर और विधायक राज्यवर्धन सिंह द्वारा कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई। ये था कि साहब आप लोगों को यहाँ का शुभारंभ करना है अंधेरी बाग में अटल उद्यान। अब लोगों ने कन्फ्यूजन कर दिया, पत्रकारों ने कन्फ्यूजन कर दिया कि यहाँ का तो उद्घाटन हो चुका है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। सबको निमंत्रण दिया हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने। अगली खबर जसपुर से है। जसपुर जिले में कोविड नियमों की अनदेखी के चलते ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिले में बीते 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 81 मामले पत्थल गांव के दर्ज किए गए हैं।
यहां साप्ताहिक बाजारों पर रोक के बावजूद अनदेखी की जा रही है। जिला प्रशासन ने चिंताजनक स्थिति को देखते हुए रात का कर्फ्यू लगा दिया है। पत्थल गांव में मौजूद अपेक्स बैंक में धान बेचने वाले किसानों की सुबह से ही लंबी कतारें लगी हैं। इसी तरह बस स्टैंड और दूसरे सार्वजनिक स्थानों पर भी कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों में जागरूकता का अभाव देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों को ट्वीट के माध्यम से संदेश दिया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि धान खरीदी को लेकर चिंता ना करें। बीते कुछ दिनों से मौसम ठीक ना होने की वजह से राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की स्थिति प्रभावित हुई है। मौसम ठीक होते ही उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी में तेजी लाई जाएगी। सभी पंजीकृत किसान धान की खरीदी पे उपलब्ध रहें। अंबिकापुर में 20 लाख रुपए के साथ लापता हुए मैनेजर का 36 घंटे बाद भी पुलिस के द्वारा सुराख नहीं ढूंढ पाया गया। यही व्यक्ति मारुति ट्रेडर्स का मैनेजर बताया जा रहा है, जो कि गुरुवार से लापता है। वहीं व्यक्ति की कार लावारिस हालत में बाला सुंदरी पेट्रोल पंप के पास बरामद हुई थी। अंबिकापुर निवासी मनोज बंसल सूरजपुर विश्रामपुर इलाके में पैसे कलेक्शन कर 20 लाख रुपए के साथ लापता हुआ। वहीं व्यक्ति के परिजन किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। तो उसका जो उसके यहाँ काम करता था वो सूरजपुर और विश्रामपुर इधर पैसा कलेक्शन के लिए आया था, जो उसकी दुकान का सामान बिक्री का पैसा कलेक्शन होता है। उसको वो लेने के बाद उसका जो गाड़ी था वो केनापारा के आगे खड़ा हुआ पाया गया और वो व्यक्ति गायब है। तो उसमें थाना जयनगर में गुम इंसान कायम की गई है और उसकी पतासाजी में टीम लगी हुई है, पतासाजी की जा रही है। सर, पतासाजी में अब तक किन किन पहलुओं पर जांच हुई, किन बिंदुओं पर, और क्या अब तक निकल कर आ रहा है? सर, अभी उसमें पतासाजी कर रहे हैं। उनकी गाड़ी जो है वहाँ पे खड़ी हुई थी और वो व्यक्ति का मोबाइल बंद था और तब से वो लापता है, तो उसमें हमारी टीम लगी हुई है और पतासाजी कर रहे हैं कि क्या घटना हुई है और उसमें पूरे हम लोग प्रयास में लगे। खदानों से कोयला की हेराफेरी कर कोयला परिवहन करते एक ट्रेलर को अनूपपुर जिले की चचाई पुलिस ने पकड़ा है। अवैध कोयले से लदे ट्रेलर को पकड़कर गाड़ी चालक और गाड़ी मालिक सहित तीन अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जब्त कोयले और ट्रेलर की कीमत लगभग 36 लाख रुपए बताई जा रही है। कोयला चोरी के मामले में पुलिस ने कोल माफिया कैलाश मिश्रा सहित सात लोगों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। ग्राम बघई का दिनांक 13/1/2022 को भ्रमण कर रहा था तो नेशनल हाईवे के पास मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम बकही में सूचना मिली कि एक ट्रेलर खैरहा यूजी मानियंस में से जो है कोयला लोड करके और स्टिकर दूसरे नंबर का लगा करके जो है और परिवहन करने के लिए जो है बिलासपुर तरफ लेके आ रहा। इस सूचना पर जो है अपन जो है वहाँ जो है बकही में ट्रेलर को पकड़े। ट्रेलर में जो है मुखबिर की सूचना सही पाई गई, उसमें स्टिकर है पीले रंग का लगा था और उसमें कोयला 31 टन 380 किलो कोयला कीमती 1,81,673 रुपये एवं 35 लाख रुपये का ट्रेलर ट्रक कुल कीमती 36,81,673 रुपये का था। उसमें ट्रक का मालिक और चालक दीनानाथ गुप्ता, परमात्मा नंद यादव, रमा शंकर विश्वकर्मा, मुन्ना मिश्रा एवं अन्य के विरुद्ध फर्जी नंबर प्लेट चिपकाकर छल के उद्देश्य से कूट रचना करने पर अपराध धारा 379, 414, 467, 468, 471 ताजीराथिन एवं चार खनिज अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सर, गिरफ्तारी भी हो गई आरोपियों की? एक आरोपी चालक दीनानाथ गुप्ता की गिरफ्तारी हो गई है और शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है अभी नहीं। और सतवास के कांटाफोड़ में किसानों ने वर्ष 2020 में खराब हुई सोयाबीन की फसल के बीमा और राहत राशि की तीसरी किस्त की मांग की है और नायब तहसीलदार चंद्रशेखर परमार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं किसानों ने बताया कि प्रदेश में कई बार आवेदन के माध्यम से शासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन 16 महीने बीत जाने के बाद भी प्रदेश के किसानों को बीमा राशि प्राप्त नहीं हो सकी है
और ना ही राहत राशि की तीसरी किस्त आज तक मिल पाई। की मांग को लेकर यहां पर आए हैं, विगत 16 माह हो गए किसानों को बीमा राशि नहीं मिली एवं राहत राशि की तृतीय किस्त आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं हुई, उसी संबंध में हम एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहां पर आए हैं। पूरे क्षेत्र के किसान, यहां के हमारे गांव के सभी नागरिक किसानों की मांग लेके यहां आए हैं। आज किसान कांग्रेस के आह्वान पे हम सभी दल के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए था यहाँ पे और किसानों की आवाज उठाना था, मगर दुर्भाग्य कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी मानसिकता होती है, मगर हम सब आज कांग्रेस के जितने भी हमारे किसान हैं, जितने भी कार्यकर्ता और नेता हैं, सब इकट्ठे होकर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के हम खड़े हैं उनको उनकी मुआवजा राशि के लिए। आपका जो आया हुआ है आपका ज्ञापन, हम शासन को शासन स्तर की मांग है आपकी, तो शासन तक हम पहुँचा देंगे। आप निश्चित रहिए, हमारी तरफ से जो भी मदद होगी हमेशा सबको प्रयास करेंगे। बढ़ते कोरोना को देखते हुए भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचें, मास्क लगाकर जाएं जहां भी जाएं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए खबर भारत।